आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इट होल्ड्स फॉर बोथ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। कि एक बॉडी जो है उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज कर सके। जैसे कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, आपके पास कोई चीज़ है रुकी हुई है, वो अपने आप चल नहीं सकती। कोई चीज चल रही है तो वो अपने आप रुक नहीं सकती। तो ये तो रहा आपका लीनियर मोशन का। अब बच्चों रोटेशनल मोशन में क्या होगा? अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो वो अपने आप रुक नहीं सकती, और कोई बॉडी अपने आप रोटेट भी नहीं कर सकती। तो इस तरीके से जो इनर्शिया है, जो इनएबिलिटी है स्टेट को चेंज करने की, रोटेशनल मोशन की स्टेट को या रोटेशनल रेस्ट की स्टेट को, इसे हम लोग इनर्शिया कहते हैं। और ये दोनों लीनियर और रोटेशनल मोशन के लिए रहता है। फर्स्ट टॉपिक है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। कंसीडर अ बॉडी हैविंग पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 अप टू 4। आपके पास एक बॉडी है, जिसमें मासेस है, जिनके मास है m1 m2 m3 अप टू 4, जिनका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो है r1 r2 r3 अप टू rn एंड सो ऑन। अगर rn नहीं लिखना तो आप सिंपल लिख सकते हो एंड सो ऑन, कितने आगे तक भी वो जा सकता है। Consider a body having particles of masses m1, m2, m3 and so on at perpendicular distance r1, r2, r3 and so on from the axis of rotation. All the particle complete one revolution in the same time. कहते हैं सब पार्टिकल्स जो है वो एक ही रेवोल्यूशन जो है, या उनको जो टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन को, एक कंप्लीट चक्कर को पूरा करने के लिए, वो आपका क्या है? ओमेगा है। ओमेगा क्या होता है? कितना टाइम पीरियड लगता है आपको, ठीक है? ओमेगा क्या होता है आप कह सकते हो ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T और ω = 2π μ। तो जो ओमेगा है वो हर पार्टिकल का सेम है, क्योंकि हर पार्टिकल को एक रेवोल्यूशन पूरा करने में सेम टाइम लगता है। इसीलिए ओमेगा की वैल्यू जो है वो सेम है। बट लीनियर वेलोसिटीज जो है पार्टिकल की, जैसे कि v1 v2 v3, ओमेगा तो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है आपकी। ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। जो लीनियर वेलोसिटीज है v1 v2 v3 अप टू vn, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं? वो डिफरेंट है हर पार्टिकल के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये डिस्टेंस है, जैसे मान लो ये अगर मैं डायग्राम आपके लिए समझाऊं तो क्या कहोगे आप इसमें? मेरे पास एक पार्टिकल है m1 मास का जो r1 डिस्टेंस पर प्रेजेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्यों? ये आपकी बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो एक्सिस जा रही है ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जो m1 पार्टिकल है उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो r1 है। जो m2 पार्टिकल है उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो r2 है, ठीक है? जो m3 पार्टिकल है उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो r3 है। इस तरीके से अलग अलग पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो अलग अलग है। द पार्टिकल्स आर हैविंग डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। v1 की वैल्यू कितनी है? r1 ओमेगा। v2 की वैल्यू कितनी है? r2 ओमेगा। vn की वैल्यू कितनी है? rn ओमेगा। क्यों? कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा भी था भाई क्या v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है। v इज इक्वल टू r ओमेगा। v क्या है आपकी? यहाँ पर v है आपकी लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, और आप r जो है वो आपका है डिस्टेंस। तो जो रिलेशन होता है वी आर और ओमेगा के बीच में वो होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वी वन क्या हो जाएगा? आर वन ओमेगा। वी टू क्या हो जाएगा? आर टू ओमेगा। वी एन क्या हो जाएगा? आर एन ओमेगा। इतना सही है? हमने बॉडी ली सिंपली, उसमें कुछ मास है, उनका कुछ डिस्टेंस है, उन सब पार्टिकल्स के लिए ओमेगा की वैल्यू सेम है। अब हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं हर पार्टिकल के लिए। काइनेटिक एनर्जी की कितनी कितनी वैल्यू आपकी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल की क्या होगी? 1/2 m1 v1 square।
हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, वी वन की जगह क्या आ जाएगा आर वन ओमेगा होल स्क्वायर, आर वन ओमेगा होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, सेकंड की क्या होगी हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, यानी कि हाफ एम टू आर टू ओमेगा होल स्क्वायर, हाफ एम टू आर टू ओमेगा का होल स्क्वायर, यानी कि हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो रही आपकी दो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, पहले पार्टिकल की कितनी काइनेटिक एनर्जी है और सेकेंड पार्टिकल की कितनी आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। अब एक बार टोटल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है बच्चों, उसके एक्सप्रेशन क्या होगा? हमने कहा पहले पार्टिकल की है हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये है, दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये है। इसी तरीके से आपके आगे आने वाली पार्टिकल्स की होगी, जैसे कि तीसरा पार्टिकल है उसकी होगी हाफ एम थ्री आर थ्री स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आप इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो, वन बाय टू आपने कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, और एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन, इसे आप लिख सकते हो समीशन एम आई आर आई स्क्वायर, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन को आप लिख सकते हो समीशन एम आई आर आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू वन अप टू एन। अब इस तरीके से इस चीज को यूज करते हुए जो हमारा ये एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का, वो बन जाता है वन बाई टू समीशन एम आई आर आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू वन अप टू एन इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ पुट आई इज इक्वल टू समीशन एम आई आर आई स्क्वायर, आई को समीशन एम आई आर आई स्क्वायर ले लो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की जो इक्वेशन है वो बन जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब अगर ओमेगा की वैल्यू वन है बच्चों तो क्या होगा, इफ इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू वन, काइनेटिक एनर्जी कितनी है वन बाई टू आई ओमेगा स्क्वायर। आप अगर ओमेगा को वन लोगे तो ये क्या बन जाएगा आई इज इक्वल टू टू इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आप ओमेगा को मान लोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आई इज इक्वल टू टू इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही तो मैंने लिखा है। कभी कभी पेपर में जी डायरेक्ट आती है कि प्रूव दैट आई इज इक्वल टू टू इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो तुम घबराना मत, ये मत सोचना भाई कैसे करना है, तुमने पढ़ेंगे सब पढ़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं होती पेपर में जो आए और आपने ना पढ़ी हुई हो। जरूरत सिर्फ इतनी है, इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर आई क्या है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और के ई क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है। आई क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और के ई क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो ये पर्टिकुलर रिलेशन है आपका बच्चों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ बॉडी एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बॉडी। तो आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ी कि जो आई है वो क्या है, जो आई है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, और जो आपका आई है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का क्या एक्सप्रेशन है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का क्या एक्सप्रेशन है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन का क्या आपका एक्सप्रेशन है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
किनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन का है हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए क्या इन दोनों इक्वेशन में फर्क है, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन है, ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है और एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन है, एक आपकी लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर है, एक आपका ओमेगा का स्क्वायर है, ठीक है। जैसे कि आपका जो ओमेगा वो क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रोटेशनल एनालॉग तो है लीनियर वेलोसिटी का, ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा है रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसी तरीके से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। तो हमने यहां पर क्या सीखा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में या मास में क्या रिलेशन है, क्या सीधी सी बात है आपकी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक रोटेशनल एनालॉग है मास का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। आगे चलते हैं थोड़ा इसी टॉपिक के, नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या होता है ये रेडियस ऑफ जायरेशन, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर होल मास वर कंसेंट्रेटेड। आपने कहा कि हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी में n पार्टिकल्स प्रेजेंट है, हाँ जी हमारे पास एक बॉडी है जिसमें n पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल का मास m है, एक बॉडी है जो n पार्टिकल्स रखती है और हर पार्टिकल का मास m है, जो उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे एक पार्टिकल का r1 है दूसरे पार्टिकल का r2 है, इस तरीके से उनके डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी का, अब पी पॉइंट कौन सा है यहां पर देख लीजिए, पी वो पॉइंट है जहां पर बॉडी का सारा मास कंसेंट्रेटेड है, इट इज द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर होल मास इज कंसेंट्रेटेड। तो जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पी का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसे हम लोग के या रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। अगेन हमारे पास एक बॉडी है जिसमें n पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल का मास m है, उनका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो r1 r2 r3 इस तरीके से है। तो जो पॉइंट है, एक पॉइंट p है हमारा जहां पर मान लो पूरी बॉडी का मास कंसेंट्रेटेड है, और जो उस पॉइंट पी का डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसे हम लोग बच्चों रेडियस ऑफ जायरेशन या के कहते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी क्या होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक चीज याद रखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली होती क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये प्रोडक्ट होती है मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्रोडक्ट होती है मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का, इसीलिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारी बॉडी की वो क्या होगी, एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर प्लस एम आर थ्री स्क्वायर अप टू एम आर एन स्क्वायर। आप एम कॉमन ले लीजिए, देखिए एम कॉमन, एम कॉमन लोगे तो क्या होगा, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एन इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर बाय में एन। इस स्टेप में मैंने क्या किया है, मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एन को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। इन दिस स्टेप आई हैव सिंपली मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड द इक्वेशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एन, तो ये क्या बन जाएगा, m इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर बाय में एन।
इफ होल मास इज कंसेंट्रेटेड एट पी, तो एक और एक्सप्रेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब ये भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन है और ये भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन है। आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के दो एक्सप्रेशंस बन गए, उन्हें इक्वेट कर दीजिए, यानी कि ये पूरी इक्वेशन इस पूरी इक्वेशन के बराबर है, बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल। आप इक्वेट करोगे तो यहां से के की वैल्यू निकल करके आएगी, के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आवर स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर बाय एन, एंड दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ जायरेशन। ये है हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आज हम लोगों ने सीखा कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो क्या है। विद दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, वी रेगुलर विद वीडियोस, डोंट वेस्ट योर टाइम, थैंक यू। अगेन जिन्होंने अपनी फीस डिपॉजिट नहीं की, डिपॉजिट इट एट द अर्लीस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, क्योंकि नहीं तो आपके लिए एग्जाम से बैठना मुश्किल हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी। तो अपनी फीस जल्दी से जल्दी अपना टाइम पर डिपॉजिट कर दो। थैंक यू।